अरे इसकी अच्छी बात ये जो आखिर में ना आपको गोश्त का फील आएगा। हमारे पास अगर लोग ना जो कीमे से बनाते हैं वो तो बहुत ही बुरे होते हैं, और मशीन में पीसा ओवन की जो पेस्ट बन जाता है इसमें वो मेहनत नजर आ रही है। सिर पे पिसने की जब गोश्त ना एंड में पूरा हाथ में मिलेगा आपको, वेरी गुड बना के रखे पिज्जा में और बनाए नहीं ना को क्या चटपट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सिद्दीकी और मेरी रेसिपी से आप देखते रहते हैं। हमने चैनल अलग कर लिया है रेसिपी से हटके, जहाँ पे फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनको वो देखना है। हम डिफरेंट शहर में जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बाहर का, तो मैं चाहता हूँ सेपरेट कर दें। इसके लिए हमने चैनल बनाया फूड वेंचर्स, तो आई लाइक कि आप लोग वहाँ आए सब्सक्राइब करें, ताकि जो जो हम नई चीज़ें पोस्ट करें आप देख सकें, उसको एंजॉय कर सकें। कोई चीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, आप कुछ और देखना चाहते हैं जरूर बताएं मुझे। इलाहाबाद के खाने तो हो गए, यूपी के खाने बड़े, क्योंकि वो पूरा एरिया एक जैसा है, लेकिन हर इलाके में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। लखनऊ जिसका अवध के खाने मशहूर, हमने कभी नहीं सुना अवध के, लखनऊ वाले खाने लखनवी खाने, और ये उनकी ज़बरदस्त लखनऊ वालों के वो टुंडे के कबाब, ये बड़ी मशहूर चीज़ें। लेकिन अभी कुछ अर्से पहले मैंने कबाब मैंने खाए, बहुत ही आला चटरपटर करके, ये नाम भी अच्छा चटरपटर, और उनके यहाँ से आए थे, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। तो फिर हिना को बोला हिना आके सब बनाए। हिना आती लखनऊ से, हिना आपका ताल्लुक लखनऊ, पूरा लखनऊ जी? अच्छा जबरदस्त। हिना भाई हिना बनाएगी आज आम शामी कबाब, नहीं कौन सा शामी कबाब है? रगड़ा शामी कबाब। अच्छा हिना जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं जाएगी। रगड़ा शामी कबाब, रगड़ा शामी कबाब, और रगड़े में रगड़ा क्या है या बताएंगी क्या है? अच्छा इसकी खासियत ये है कि इसको हम सिल पे पीसेंगे, और जिसको असल नहीं दूसरे उसको पीस ले चल जाएगा, मशीन चल जाएगा, लेकिन सिल पे जो है ना ज्यादा टेस्ट आएगा। और दूसरा है कि इस पे हम जो इसको पीसते हैं ना, तो इसका फ्लेवर भी ऐड होता है इसमें। ये बताइए मुझे कि हम सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम बीच में बातें करते हैं, ताकि ये उबलना भी है। अच्छा अभी हम बना रहे हैं रगड़ा शामी कबाब। अब इसकी रेसिपी कुछ इस तरह है, पहले हम इसमें पानी डालेंगे, मैं जो अभी ये रेसिपी बना रही हूँ आधा किलो गोश्त की बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें एक किलो भी यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिस तरह भी चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये तो बड़े का गोश्त है जी, ये बड़े का गोश्त था जी। अच्छा छोटे की गोश्त भी बना सकते हैं जी, छोटे चिकन भी यूज कर सकते हैं, बहुत से लोग जो चिकन के पसंद करते हैं वो भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं आधा किलो में एक कप डाल दूं भीगी हुई चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं 10 के करीब गोल मिर्च डाल रही हूँ। मैं भी गोल मिर्च करती हूँ, आपके आपने भी गोल मिर्च वो वाली होती थी हमारी, काली वाली या लाल वाली गोल मिर्च डाली थी? अच्छा काली वाली, काली मिर्च थी। इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है ज्यादा। तो ये अम्मा से सीखा, दादी नानी किसे सिखाई है? सीखे मैंने अम्मी से। आप अम्मी से सीखे? इसमें हम 3-4 लौंगे डालेंगे, ये साबुत समझे गरम मसाले। अम्मी जो है, अम्मी तो वहाँ की लखनऊ की नहीं है, अब्बा लखनऊ के थे जी, अब्बा लखनऊ। अम्मा कहाँ की? अम्मी मेरी जमनपुर से। जमन जबल जमन जमन जमने वाला जमनपुर। अच्छा लौंग कितनी डालेंगे? 2-3 लौंग, 2-3 बड़ी इलायची, 10-12 के करीब इसमें काले मिर्च ऐड कर, और 2 स्टिक्स के जैसे करीब ना इसमें हम यूज करेंगे दालचीनी, 2 दालचीनी छोटे टुकड़े, इसमें 4 के करीब लहसुन के जवे जा रहे हैं, 1 प्याज है मीडियम साइज का, ऐसे ना स्लाइस में नहीं, ऐसे मोटा मोटा काट लो क्योंकि पिस जाएगा। इसमें ऐसे 2 इस तरह के क्यूब्स के इसमें अदरक डालने, और 2 पत्ते तेज पत्ता, तेज पात इसे कहते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम। नमक अभी हम नहीं डाल रहे, नमक थोड़ा सा एंड में डालेंगे, और इसको उस वक्त तक पकाना है गोश्त गल जाए हमारा, और दाल जो है ना बहुत अच्छे से गल जाए उस टाइम तक इसको पकाना है, फिर हम इसको सेल पे पीसेंगे। क्या हुआ फंस गई आप?
जी देखिए, अब अक्सर ऐसा होता है घर में भी हमारे साथ, क्या गोश्त नहीं गलता। अब ये देखें दाल जो है ना हमारी गल गई है। इसका तरीका ये होता है कि दाल तो दिखाएं कैसे गली, हाथ में दाल बिल्कुल गल गई है, बिल्कुल परफेक्ट है दाल, दाल गल गई है। अच्छा जी, गोश्त जो है ना अभी और उसको टाइम लगेगा। तो क्या घर पे अगर आप आज क्यों नहीं गला, ऐसा होता है कभी, ऐसा हो जाता है गोश्त में कुछ ऐसी सही आ जाए प्रॉब्लम। तो फिर इसका तरीका है कि आप बोटियां अलग से इसको और पका दें। अच्छा, बोटियों को अलग से उबाल लेंगे, अलग से उबाल लें तो और दाल को ऐसी। अच्छा सही है। तो अब ये आपको लग रहा है कि अगर ये दाल इसके साथ उबाल लेंगे तो दाल दाल हलवा हो जाएगी? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगी समझो, एक तरह से तो नजर ही नहीं आएगा, पिसाई में मजा नहीं आएगा। तो अब इसको जो है ना गोश्त को थोड़ा सा उबाल लेंगे और सही है, अलग से उबाल के हम रख लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे अगला मरहला। अब देखें गोश्त हमारा गल गया था, अब मैंने इसको दाल में मिक्स कर लिया। अब लास्ट में मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर दूंगी। 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें नमक डाला, मिक्स करके हम इसको पीसेंगे सिल पे। सिल पे पीसने का मकसद आपको दिखाने का ये है कि इसका जो जायका है ना वो मशीन में नहीं आ सकता, इसको सिल पे ही पीस के अच्छा होता है, जायका अच्छा आता है इसका। क्योंकि पहले तो लोग सिल पे ही पीसती थी खवातीन, अब जब से मशीनें आ गई हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम मशीन में चॉपर में पीस लें, लेकिन उससे उसका जायका नहीं आता कभी जो सिल पे आता है। और कबाब का रेशा भी अमूमन सिल पे ही अच्छा आता है, मशीन में तो बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, पता ही नहीं चलता। इस तरह इसको पीस लेंगे और आप देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है हमारा, बिल्कुल हाथ से टूट गया। चलो अब इस तरह सारा मैं इसका कबाब का मसाला सिल पे पीस लूँगी, फिर इसमें हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे और मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ। सर आप देखें मैंने सिल पे पीस लिए हैं, ये रगड़ा शामी कबाब क्योंकि थे तो मैंने इनको सिल पे पीसा है। देखें सिल पे पीसने से कितना अच्छा इसमें रेशा आएगा, हम इसमें मशीन में करते हैं ना तो बात आती नहीं। मेरे घर में तो मेरी अम्मी अमूमन बनाती हैं ये, शाम की चाय पे हम लोग ज़रूर खाते हैं सब, जब सब बहनें और सब बहन भाई जमा होते हैं घर पर। अब इसमें जो है ना मैं एक अंडा डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा इसका 2 तरीके हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर नहीं डालें, इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई करते वक्त भी आप लगा के कर सकते हैं उसमें डिप करके, लेकिन मैं इसके अंदर ही ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा आप ले लें 1 टेबल स्पून के करीब, इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। इसी तरह थोड़ी सी प्याज डाल लें 1 टेबल स्पून के करीब। अगर इसको आपने फ्रीज़ करना है ना फिर आपने इसमें चॉप प्याज नहीं डाली, क्योंकि उसको फ्रीज़ होने के बाद उसका ना टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर आपने फ्रेश बनाने फिर आप इसमें प्याज ऐड कर लें। इसमें इसी तरह हरी मिर्च डाल लें हम चॉप, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे 1 चाय के चम्मच के करीब, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है हमें, इसका जायका और टेस्ट तभी अच्छा आएगा तब आपने इसको सिल पे पीसो और इसको इस तरह मिक्स करें अच्छे से। देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। हाँ मशीन से भी आप लोग पीस सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। जब एक सहूलत है, बहुत सी खवातीन वर्किंग वुमेंस हैं जो काम करती हैं, जिनको पास टाइम वक्त की कमी होती है, वो मशीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन जायका उमन उसी जब ही मिलेगा जब आपने इसको सिल पे पीसना है। जैसे पहले वक्तों में अम्माएँ जो थी वो बनाती थी सिल पे काम करती थी, तो हम बोलते थे बहुत अच्छा है, बहुत जायका है माँ के हाथ में। तो वो इसीलिए होता था कि वो बहुत एक तो मोहब्बत से बनाती थी और हर काम बहुत उससे सिल पे पीसना, मसाले सिल पे पीसते थे। अब जो है हर काम मशीन में होता है, तो इस वजह से भी वो जायका और वो सब कुछ हमें नहीं मिलता जो माँ के हाथ में था पहले। अब हम इसकी ना ऐसे बॉल्स बनाएंगे। अच्छा इसको बनाने का तरीका ये है कि इसको आपने ना ऐसे दबाना है पहले, इसको इस तरह बनाना है। देखिए अब ये तैयार हो गया है, अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। इसको ऐसे ही प्रेस करना है पहले ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए इसकी, फिर
फिर इसको हथेली पे लेके ऐसे कर। छेदना मुश्किल होता है, वो लोग किनारे गोल कर देते हैं जी। पहले की खातीन तो बड़े अच्छे अम्मिया दे दिया करती थी। हाँ। अब हमें थोड़ी, हम लोगों को आजकल जो है हम थोड़ी प्रैक्टिस कम होती है इन सब चीजों की। अब तो वैसे वो भी आ गए जो शामी कबाब जिससे लेकिन अम्मियों के तरीके जो है उनका मुकाबला नहीं हो सकता। तो आपको लगता है क्या आपकी कबाब अम्मी जैसे हैं या नहीं? नहीं मुझे नहीं लगता। कोशिश करते हैं। अम्मा के हाथ का ज्यादा नहीं मिलता ना। नहीं कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता है ना। ये नहीं हमसे वैसे ही होता है, वो है कि अम्मा के हाथ का एक तो मजा ये था कि वो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अम्मा ही सारी मेहनत करती थी जी। बिल्कुल, वो पहले जो है हर काम बहुत सिल पे और मसाले वसाले सब इस तरह पीसे जाते थे, इसलिए उनका जायका भी वैसा होता था। सिल वाला काम तो हाँ अब तो सब बंद हो गया सिल। तो ये आम शामी कबाब से ज्यादा टेक्सचर में इसका थोड़ा फटापन आएगा, जैसे उसमें तो बिल्कुल बारीक होता है क्योंकि दाल ज्यादा होती है, गोश्त और गोश्त तो बिल्कुल पीस देते हैं, इसमें रेशा है तो इतना वो टेक्सचर स्मूथ नहीं होगा जी। सिल पे पीसने से ही होता है। हाँ ये फर्क आएगा, बेहतरीन है। आई लाइक दैट, तो रेशा है ना, मजा आएगा कि लगेगा आप कुछ खा रहे हैं इसके अंदर। अब इसको हम ना अब फ्रेश अब बना रही हूँ मैं, तो मैं इसको अंडे में डिप करके तलूंगी। अगर फ्रीज करना हो तो ऐसे नहीं करेंगी? नहीं इसको फिर ऐसे ही फ्रीज बगैर अंडे की फ्रीज करेंगे। हमारे घर में अंडे वाले नहीं, आप मूवमेंट की डिपेंड करता है, कुछ घरों में अंडे वाले शामी कबाब होते हैं जी, कुछ बगैर अंडे के। अच्छा सिर्फ क्योंकि हर चीज कुक है तो तलना ही होगा उसको। अच्छा प्याज लगा के तो इसको फ्रीजर में रख सकते हैं ना? मैंने आपने प्याज डाली, मैंने बताया कि भाई अगर आपने फ्रीज करने है ना तो इसमें प्याज नहीं ऐड करें। अच्छा फिर ऊपर प्याज ही डालें। शांति चाय पे इसके लिए जो बनते हुए घर वाले भी आपने तो बचा तो घर में खत्म हो जाती होगी जो है मेरे होता है स्कूल लंच बॉक्स में बहुत काम आते हैं। अच्छा आपके घर में काम हो जाते हैं, जबरदस्त। और कोई मेहमान आता है तो उसके साथ शाम की चाय पे फ्राई कर दिए, बेहतरीन। तो एक एक कमरा एक यहाँ से एक उठाए निकाल के यहाँ के बस एक उठाए नहीं मैं तो आपसे तैयार कर रही, मैं चेक करूँ हो सके तो रेशा भाई, रेशा तो नजर आ रहा है गर्मा गर्म में। ओए होए होए बहुत गर्म, वॉश चेक करता मैं। या वेरी नाइस। अच्छा हमारे घर में बनता है ऐसे कि मैं बेगम भोचा बनाती हैं, लेकिन ये जो ना इट्स वेरी डिफरेंट। इसमें वो आपको जो रेशा नजर आ रहा है ना तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन क्यों अब पील करेंगे रेशे को, गोश्त का रेशा नजर आ रहा, मतलब मिल रहा है आपको, महसूस हो रहा है, वेरी नाइस। और मसाले भी डिफरेंट है ना, इट्स डिफरेंट, हमारे शामी कबाब डिफरेंट है। लखनऊ के रगड़ा शामी कबाब, लखनऊ के रगड़ा शामी कबाब। अरे इसकी अच्छी बात ये जो आखिर में ना आपको गोश्त का फील आएगा। हमारे बाद सफा लोग ना जब टीमे से बनाते हैं वो तो बहुत ही बुरे होते हैं, और मशीन में पीसते तो बिल्कुल वो पेस्ट बन जाता है। इसमें वो मेहनत नजर आ रही है, सिल पे पिसने की, जब गोश्त ना एंड में पूरा मास्क मिलेगा आपको, वेरी गुड। बना के रखे फ्रीजर में और बनाए नहीं को क्या ना चटरपटर में ऑर्डर करें।
कोरमा हो वो भी दावत वाला शादी वाला, बहुत आसान नहीं है, इसे बन सकता है आपसे, क्योंकि हमारे बेगम ने बनाया, लिंक ऊपर दिया, देखें डेली मटन कोरमा, ये रेसिपी देखें आपको बहुत पसंद आएगी।